बॉबी जा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। घाटी में भाजपा नेता की हत्या, पीएम मोदी ने ट्वीट किया, देश में इस तरह की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। कश्मीर के अनंतनाग जिले में शनिवार रात संदिग्ध चरमपंथियों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता गुलाम मोहम्मद मीर की गोली मारकर हत्या कर दी। मीर अनंतनाग जिले में पार्टी के उपाध्यक्ष थे। जानकारी के अनुसार साल 2019 के आम चुनाव के दौरान भारत प्रशासित कश्मीर में यह पहली राजनीतिक हत्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में भाजपा नेता की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि हिंसा के लिए देश में कोई स्थान नहीं है। मोदी ने ट्वीट किया, भाजपा के कश्मीरी नेता श्री गुलाम मोहम्मद मीर की हत्या की निंदा करता हूँ। जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने लिखा, देश में इस तरह की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के नेता गुलाम मोहम्मद मीर की हत्या की निंदा करते हुए रविवार को कहा कि कश्मीर में चरमपंथी ताकतें हिंसा से पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल नहीं तोड़ सकती। आतंकवादियों ने शनिवार रात भाजपा के जिला उपाध्यक्ष गुलाम मोहम्मद मीर की हत्या अनंतनाग में उनके घर में कर दी थी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, मैं अनंतनाग में भाजपा नेता गुलाम मोहम्मद मीर की हत्या से दुखी हूँ। घाटी में पार्टी को मजबूत करने में उनका बड़ा योगदान है। भाजपा अध्यक्ष ने ट्वीट किया, घाटी में चरमपंथी ताकतें भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल हिंसा से नहीं तोड़ सकती है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।